अभी ये एज में हम आईफोन 13 पकड़ेगा, वो भी आप खुद के कमाई से, कभी सोचा नहीं था। खुद का रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद उतारना चाहिए, कभी किसी को डिपेंड नहीं करना है। डिपेंडिंग अदर्स इज हीटिंग योरसेल्फ। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल अगेन, एंड टुडेस वीडियो आई एम गोना शो यू द कैमरा ऑफ आईफोन 13। तो अभी मैं दुकान जाके आया हूँ ये फ्रूटी खरीदने के। तो अभी मैं आपको कैमरा रिव्यू दिखाता हूँ मेरे फ़ोन का। तो मैं अभी जल्दी से फ्रेश हो जाता हूँ, फ्रेश होके मैं टेरिस पे जाऊँगा, चाट ऊपर जाके मैं कैमरा दिखाऊँगा। तो हाय गाइस, तुम्हारा भाई अब रेडी हो चुके हैं। तो अभी मैं आईफोन 13 का कैमरा कैसे होता है मैं आज टेस्ट करने वाला हूँ। यूट्यूब वीडियोज़ में बहुत देखते थे, तो मैं आज हकीकत पे कुछ टेस्ट करके देखता हूँ। नहीं जाने से पहले बातें कर रहे हैं थोड़ा, इतने दिनों के बाद मिले हैं हम सभी। तो गाइस, मैं हम सभी को एक खुशखबरी सुनाना चाहूँगा कि मैं जो अभी आईफोन पकड़ रहे हैं, आईफोन 13 है, 128 GB है इसका, और मैं ये फ़ोन अपने इनकम से मैंने ये खुद ख़रीदा है। मैं बहुत ही खुश हूँ, हम एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे, बट मेरा वे ऑफ टॉकिंग से जान जाइए कि मैं कितने खुश हूँ। क्योंकि कहते हैं ना, अगर खुद के मेहनत की कमाई से कुछ भी खरीदो तो आपको इतना छोटा सा चीज़ होने से भी, अगर खुद के पैसा से कुछ खरीदने से बहुत खुशी मिलता है खुद को। तो हमको सच में अभी बहुत खुशी लग रही है। आखिर मैं सपने में भी नहीं सोचा था कि मैं आईफोन 13 पकड़ूंगा इन फ्यूचर में, तो पता नहीं, लेकिन इन दिस लाइफ अभी हम जो जी रहे हैं, अभी ये एज में हम आईफोन 13 पकड़ेगा, वो भी आप खुद के कमाई से, कभी सोचा नहीं था। एंड फाइनली ग्रेस ऑफ गॉड अचीव माई ड्रीम फोन। सो थैंक्स टू द जो मदद किए कि बोलने भी नहीं सक रहे, अकला रहे थे, इतना खुश हूँ ना मैं कैमरा का सामने में, बहुत दिनों के बाद बात कर रहा हूँ ना, सो देट वाई थोड़ा कॉन्फिडेंस लेवल गिर गया यार। अभी तो बस शुरुआत है गाइस, आगे आगे और भी मेरे को बहुत सा ड्रीम्स अचीव करना है, बहुत सा ड्रीम्स है मेरा लाइफ में। तो मैं अभी क्या एज में, अभी मैं अपने लाइफ को इधर उधर करके थोड़ा एडजस्ट कर रहा हूँ, मैनेजमेंट एंड ऑल सब कुछ कर रहा हूँ, रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड ऑल। खुद का रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद उतारना चाहिए, कभी किसी को डिपेंड नहीं करना है। डिपेंडिंग अदर्स इज हीटिंग योरसेल्फ, डोंट डिपेंड अदर्स, इंस्टेड ऑफ डिपेंड अदर्स डू बाय योरसेल्फ। खुद से मेहनत करो, खुद से कमाई करो, और खुद से जो चाहिए ले लो, मेरा ये एडवाइस है आप सभी से। ऐसा एक बाय होने का नाते मैं एडवाइस देता हूँ, मेहनत करो मिल जाएगा। मेरा जो आज का फोटो है वीडियो बनाने का, ये जो कैमरा है मैं बैक कैमरा से रिकॉर्ड कर रहा हूँ 60 FPS में। तो देख सकते हैं कि कैमरा स्टेबिलिटी भी कितना अच्छा है और कितना पावर है। तो सीरियसली हमको आईफोन 13 का कैमरा बहुत अच्छा लगा, एंड बैटरी बैकअप तो और अच्छा है सर कंपेरिजन टू अदर आईफोन्स। 13 का बैटरी लाइफ बहुत अच्छा है, बैटरी हेल्थ बहुत अच्छा है। तो विदाउट एनी हेजिटेशन यू कैन गो फॉर आईफोन 13, इट्स ए गुड बैटरी लाइफ। तो गाइस, मैं जा रहा हूँ अभी ऊपर टेरेस पे। तो ये मेरा कंधा पे जो है मेरा ब्लैंकेट है, एक्चुअली मैं टेरेस जा रहा हूँ, तो क्यों ना मैं सोचा कि अपने कपड़े को भी थोड़ा धूप में सुखाया जाए, ना थोड़ा गन मर रहे हैं, तो इसलिए मैं जा रहा हूँ सुखाने। आप देख सकते हैं कि सीढ़ी कितना लंबा है, यहाँ से उठता है एक्चुअली, ये 5 फ्लोर है, तो 5 फ्लोर में लिफ्ट नहीं है। तो आप जो चर्बी है ना, जिसका ज़्यादा चर्बी है, वो सुबह सुबह आके यहाँ पे डेली अप एंड डाउन चलते रहेगा तो पक्का 6 पैक खुद ब खुद आ जाएंगे। तो फाइनली गाइस, ये है रहा टेरेस, और मैं अभी भी 60 FPS में रिकॉर्ड कर रहा हूँ आईफोन 13 से। ओ माय गॉड, सुखाने का जगह ही नहीं है अभी, जो जगह में सुखाना था पूरा फुल हो चुके हैं इधर। अभी हमको कहीं पे एडजस्ट करना पड़ेगा इसको सुखाने के लिए।
तो गाइस फिलहाल मैं चाट ऊपर पे आ गया हूँ, तो अभी मैं थोड़ा यहाँ से आपको नज़ारा दिखाता हूँ। और ये मैं बता दूँ कि मैं आज कल बेंगलोर पे मैं रह रहा हूँ, और कल तो यहाँ बहुत ही ज़्यादा बारिश था, लेकिन आज देखिए अब बहुत ज़्यादा धूप दे रहा है। आँख भी अच्छा से कैमरा में नहीं देख पा रहे हैं, पूरा वहाँ से रिफ्लेक्ट हो रहा है ना। तो गाइस आप देख सकते हैं कि कैमरा कितने अच्छे हैं आईफोन 13 का। तो मुझे कैमरा में कुछ रिजेक्शन नहीं है और बैटरी लाइफ में भी कुछ रिजेक्शन नहीं है, बस हाँ थोड़ा मोड़ा इधर गेम सेम खेलते पे थोड़ा सा ये हीट होता है, गर्म होता है फ़ोन थोड़ा सा, लेकिन बाकी उसमें कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, इसमें आईफोन 13 में कुछ प्रॉब्लम नहीं है। और गाइस मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ अपने फ्रंट कैमरा से 60 FPS पे, तो इनका भी मुझे कैमरा बहुत ही अच्छा लगा, फ्रंट कैमरा का भी लगभग अच्छा ही है, बहुत ही अच्छा है फ्रंट कैमरा भी। आईफोन तो बस कैमरा के लिए माना जाना होता है, सो फ्रंट कैमरा भी कुछ कंप्लेन नहीं है, ये भी बहुत ही अच्छा है। जिस स्कूल में तूने ये सब सीखा है ना, उसका हेडमास्टर आज भी मुझसे ट्यूशन लेता है। सो गाइस ये फिर बैक कैमरा का वाइड एंगल लेंस है, 60 FPS में मैं फिर रिकॉर्ड कर रहा हूँ, और मैं फिर यहाँ से दौड़ता हूँ कि कितना स्टेबिलिटी है। और फिर मैं ये सिनेमेटिक मोड में, आईफोन 13 में एक सिनेमेटिक मोड करके एक रहता है कि ये आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे कितने बैकग्राउंड में ब्लर आ रहा है और आपको फोकस कर रहे हैं, आप जैसे जैसे मूव करोगे तो फोकस पॉइंट आपके ऊपर ही डिटेक्ट होकर रखेगा। लेकिन सुन के अच्छा, तो ट्रैकिंग लॉक है ये, अगर यहाँ पे आप दबाते हो तो पीछे पे फोकस हो जाएगा, अगर आपके चेहरे पे दबाएंगे तो फिर चेहरे पे फोकस आएंगे। सो ये मोड मुझे अच्छा लगा आईफोन में। तो गाइस रिकॉर्ड करते करते हैं ना, आप जैसे कि मेरा बैकग्राउंड देख सकते हैं वहाँ पे क्लाउड है, तो वो सीन मुझे बहुत अच्छा लगा, तो मैं उसका थोड़ा सा एक टाइम से वीडियो लेता हूँ उसकी। तो गाइस आपने अभी देख लिए होंगे कि ये आईफोन 13 का कैमरा कितना पावर है, आपको रनिंग करते वक्त भी इतना झकझक नहीं मिलेंगे, बहुत ही ज़्यादा स्टेबिलिटी पावर है इनके। और कैमरा तो क्लियर, तो क्या बोलेगा भाई, लाजवाब है। अगर आप किसी फ़ोन के लिए या फिर ब्लॉगिंग के लिए एक अच्छे फ़ोन चाहिए तो मैं आपको ये रिकमेंडेड करूँगा कि आईफोन 13 लीजिए, इनके बैटरी बैकअप भी एकदम OMG ऑसम है। किधर है, किधर है, बहुत ही अच्छा बैटरी लाइफ देता है, वन डे आपको बैटरी बैकअप दे देंगे आईफोन 13। और इनके जो अभी थोड़ा सा मैंने आपको इनका जो टाइम स्लाइप वीडियो दिखाया है, मेरे पीछे में जो बैकग्राउंड है क्लाउड है, बहुत ही सुंदर देख रहा है एक्चुअली, यहाँ से रियल में ज़्यादा सुंदर देख रहा है। आज सब भी आपके कारण और आपके प्यार, आपके प्रेयर, आपके सपोर्ट के कारण से मैं एक आईफोन ले पाया हूँ 13। ये मेरा एक सपना था आईफोन 13 लेने का, और मैंने खुद के मेहनत के कमाई से लिया है, किसी से भी पैसा लिया नहीं है मैं। अगर आप किसी चीज़ को पूरी कायनात से चाहो तो उसे डायलॉग पता नहीं है, लेकिन ये है ओम शांति ओम का डायलॉग, याद जिस चीज़ को याद है वो हिट लाइक कर देना। तो गाइस मैं आज बस इतना ही दिखाना था आप सभी को, अभी मैं फिर जा रहा हूँ रूम की ओर। मैं टेरेस पे देखिए मेरा बदन में क्या है, मेरा बदन तो सब अलमारी बन गया है, हैंगर लटका हुआ है, ये मेरा ब्लेजर है और ये मेरा बैग है। तो मैं ऊपर में एक्चुअली कपड़ा भी सुखा रहा था, कपड़ा को भी मैं लेकर आ गया हूँ। और मेरे ये सीढ़ी है ना बहुत ही लंबा है, अभी बहुत ही ज़्यादा भूख भी लग गया है। तो बस आज का वीडियो में इतना ही दिखाना था आप सभी को, कैमरा का बारे में ही था, तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा कैमरा।